के बारे में? रेशम कृषि मेला जो है एक रोज़ा, इसमें हमने इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल सिलिक बोर्ड जो है, डॉक्टर भाटिया साहब इसके डायरेक्टर हैं, इनके साथ एक किया था। इसमें 500 से ज़्यादा किसानों को हमने मदद किया था, जो तकरीबन यहाँ कश्मीर वैली के 10 डिस्ट्रिक्टों से आए थे। तो इसमें सबसे पहले इनको हमने इनक्रेज किया, कुछ अप्रिसिएशन दिए, कुछ टूल किट्स दिए, कुछ मोमेंटो दिए जिन्होंने अच्छा काम किया था इस सेक्टर में। तो और सबसे बड़ी बात जो थी वो टेक्निकलिटी थी, जो टेक्निकल ऑपरेशंस होते हैं डिफरेंट, वो कैसे करने हैं वो सिखाए गए। इसमें अगर कहीं सीड का इशू आया गया तो उस पर भी हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में भी एक अच्छा क्वालिटी वाला सीड उनको दिया जाए ताकि क्वालिटी कोकून बने। हमारा कोशिश ये रहेगा कि जो मलबरी वेल्थ है अभी 55 लाख प्लांट्स, इसको भी बढ़ा दें। हमने डिप्टी कमिश्नर से टेकअप किया, हम और भी लैंड ले रहे हैं, और भी फार्मर्स की तादाद बढ़ा रहे हैं, और भी प्लांट्स की नंबर की तादाद बढ़ा रहे हैं, और कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स की तादाद भी बढ़े, क्योंकि हमारे पास अभी लीक बैंक एक बड़ा पड़ा है। तो हम चाहेंगे कि कोकून का प्रोडक्शन भी बढ़े। आज हमने यहाँ इसमें मधु किए थे, कुछ रिलिंग यूनिट्स भी जो वीविंग भी करते हैं उनको भी ये 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 दिखाने के लिए अपने यूथ्स को कि आप भी रिलिंग और वीविंग यूनिट डाल सकते हैं। यूनिट हमारे यूथ भी डाल सकते हैं, जो भी गाइडेंस है हम उस यूनिट डालने के लिए उनको गाइडेंस करेंगे कि यूनिट रिलिंग यूनिट वीविंग यूनिट कैसे दिया डाला जाता है, उसमें सब्सिडी भी हम देंगे। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल मार्केट हमारे कोकोन को मिले। अभी हमारा वेस्ट बंगाल और कर्नाटक 70% मार्केट दे रहा है, यहाँ भी कुछ अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ हमारा एक ऑटोमेटिक रूलिंग यूनिट है खनमू में, जो लगभग 1.5 लाख किलोग्राम कंज्यूम करता है, जो लगभग 20 मीट्रिक टन सिलिक बनाता है। हम चाहेंगे कि वैसे और भी यूनिट यहाँ इस्टेब्लिश हो जाएँ ताकि हमारे जो इसका लोकल मार्केट है वो बढ़े, और फ्यूचर में जितना भी इनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देनी है, टेक्निकल सहायता देनी है, वो डिस्ट्रिक्टों में जाके इनको ज़रूर समझा देंगे। अगर आज हमने 500 या 600 किसानों को यहाँ मदद किया है तो ये आप खुद देख रहे हैं कि किसान अब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। डिस्पाइट चिलिंग वेदर वो इतने घंटे यहाँ बिल्कुल आराम से बैठे, बिल्कुल टेक्निकल बातें सुनी, एक्सपर्ट्स की बातें सुनी। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ज़रूर ये तादाद बढ़ेगा, और कोकून जो रिवाइव करना है, इसका जो पुराना वो नाम बनाना है ज़रूर बनाएंगे, लेकिन इसमें लोकल यूनिट्स को एस्टेब्लिश करना होगा। मैं कहूँगा यही कि ये मल्टी क्रॉपिंग है, इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग। आप फिशरीज़ भी कर लो, आप पोल्ट्री भी कर लो, आप एनिमल हस्बेंड्री कर लो, आप एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर भी कर लो, लेकिन आप साइड बाई साइड ये कैश क्रॉप भी कर लो, जिसमें आप आराम से 10 रुपया कमा सकते हैं। आप सेरिकल्चर भी कर लो, आप अपने घरों में कर लो। हम शर्ट के लिए सब्सिडी देते हैं, हम इक्विपमेंट पर सब्सिडी देते हैं, हम पूरी सहायता देते हैं। हम यहाँ से वर्म्स फ्री ऑफ कास्ट देते हैं, हम लीफ फ्री ऑफ कास्ट देते हैं, हम पूरी टेक्निकल जानकारी आपको घर बैठ के देंगे। आप हमसे जुड़िए और स्कीम्स का फ़ायदा उठाइए।